सरकार के 134A के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका देने के फैसले पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। बता दें, निजी स्कूलों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि जब तक उनके पिछले पैसों का भुगतान नहीं होता, वो 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। जहाँ दूसरे बच्चों के स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वहाँ 134A के तहत बच्चे अभी तक दाखिला प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इस बारे में जब प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के ब्लॉक प्रधान सुरेश आर्य से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों का फैसला है कि तब तक दाखिला नहीं देंगे जब तक सरकार प्राइवेट स्कूलों का पुराना भुगतान नहीं कर देती। बता दें, प्राइवेट स्कूल सरकार से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सुरेश आर्य ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल में सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। अगर सरकार पढ़ाना चाहती तो किसी प्रकार का कोई ढोंग नहीं रचती। असल में सरकार जो ना गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। गरीब बच्चों को पढ़ाने का सीधा तरीका यह है कि अगर गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती है, एक वाउचर के रूप में गरीब बच्चों के सीधे खाते में पैसे डाल दे, ताकि बच्चा जो ना परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपनी स्वेच्छा से जिस स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे पढ़ लेगा, उसकी जो ना राशि उसके खाते में सीधे डायरेक्ट सरकार दे दे, बस मामला ही खत्म हो जाए। तो शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त हैं पीके दास जी, वो बार बार एक बात कहते हैं कि हम वो राशि देने के लिए तैयार हैं। मैंने तो राशि देने से कभी मना नहीं किया, आप उसके जो है ना वाउचर बना करके भेजो। अब वाउचर जो ना हम उसकी जो ना 3-4 बार पहले भी जो ना राशि भेज चुके हैं कि हमारे प्रति स्कूल प्रति बच्चा इतनी राशि बनती है। ये जो ना पूरा हरियाणा का बजट जो ना कई करोड़ों में है, तो सरकार पहले इकट्ठा, अब ये पैसा इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा पैसा होने के कारण जो ना सरकार आनाकानी कर रही है कि बजट बहुत बड़ा बजट है। वही धारा 134A के तहत बच्चे के दाखिले को लेकर आए अभिभावक भी प्राइवेट स्कूल के हक में बोलते नजर आए, मगर साथ ही उन्होंने स्कूलों से भी बच्चों का एडमिशन करने की बात कही, क्योंकि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। तो ये है कि सरकार को स्कूलों की भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरा नंबर जो है, स्कूल अगर एडमिशन नहीं देते हैं तो ये सरकार और स्कूलों की आपसी तालमेल है, और उसमें हम अभिभावकों का उसमें कोई दोष नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, और उस आदेश की पालना स्कूलों को करनी चाहिए। बिल्कुल पढ़ाई खराब हो रही है जी, और उसमें जो है पिछले साल तक भी हमने बहुत बार कहा है कि जो है पेपर जो है साथ के साथ होने चाहिए जब इनके एनुअल पेपर होते हैं, मगर इस ओर सरकार का भी ध्यान नहीं है और ना हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों का ध्यान है। वही जब इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने पहुंचे तो वह छुट्टी पर थे, लेकिन फोन पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से आदेश है कि स्कूल 134A के तहत बच्चों के वाउचर बना विभाग में जमा करवा दे। वहीं दाखिला ना देने के सवाल पर उन्होंने स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग के आदेश ना मानने पर स्कूलों की मान्यता रद्द होने की बात कही। अब देखना यह होगा कि सरकार और निजी स्कूल का ये आपसी विवाद कब तक सुलझता है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का शैक्षणिक भविष्य खराब होने से बच सके। इंडिया एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।